हाय हिमांशु, कैसे हैं? तो ऑफिस का काम निपटाने के बाद अभी हम लोग सारे आग मिल गए हैं। मैं आपको अपने हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज 2 साल बाद अप्रोक्स मैं अपने स्टेट से बाहर निकल रहा हूँ। और मैंने क्योंकि दो के दो वैक्सीन लगा ली हैं और साथ में पूरे प्रिकॉशन मास्क सैनिटाइजर वगैरह रख के चल रहा हूँ। और अभी फिलहाल मैंने जो अपना ट्रिप था वो स्टार्ट किया था हल्द्वानी से अप्रोक्स 3 बजे सुबह के। अभी मैंने अप्रोक्स के लिए 167 किलोमीटर फिलहाल मैंने यहाँ पे चाय के लिए ब्रेक लिया था। और अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ सीधा गुड़गांव। और गुड़गांव में आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक दिन रुकेंगे, आराम से रेस्ट वेस्ट करेंगे उसका, क्योंकि हमें लॉन्ग ड्राइव करने जाना है। तो इस ट्रिप में आप बने रहिए, आपको एक बहुत अमेजिंग जगह लेके जाने वाला हूँ, जयपुर से भी आगे, समझ जाओ, गेस करते रहो, धीरे धीरे पता लगते रहेगा। तो फिलहाल ये देखिए मेरी गाड़ी पूरी पूरी खाली है और मैं साथ में अपने बैग वैग पीछे डाले हुए हैं और धीरे धीरे चलते हैं और सीधे पहुंचते हैं गुड़गांव। गुड़गांव में आज मैं थोड़ा बहुत ऑफिस का काम निपटाऊंगा। तो गाइस, जैसे कि आप देखेंगे अभी बज गया है 8:42 और मेरे तकरीबन 309 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। जी हाँ, मैं पहुंच गया हूँ गुड़गांव और काफी सही रहा सफर। बीच में रोडें थोड़ी खराब थी, कहीं पर गड्ढे गड्ढे थे, बट मजा आया। और मैंने एक ही ब्रेक लिया था, आपने देखा था। तो और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो ना, अपने साथ ना फ्रूट्स वगैरह रख लो, जैसे केले वगैरह, क्योंकि बाहर खाने से अच्छा ना अपना फ्रूट्स खा लो तो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो अभी फिलहाल मम्मी का फोन आया था तो मैं हाईवे से उतर गया था, मैंने कहा उनको फोन कर लेता हूँ तो आप लोगों से भी बात कर लूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सीधे संजीव के घर, मेरा फ्रेंड है। तो गाइस, फाइनली मैं संजीव भाई के घर में पहुंच गया हूं और मुझे अप्रोक्स 6 घंटे लगे यहां पहुंचने में। काफ़ी सही तरीके से रहा सफर और इंट्रोस में चला के ला रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल रहा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आई। एक ही जगह ब्रेक लिया था, आपने देखा था। और अभी फिलहाल यहां पे संजीव भाई बैठे हैं। संजीव भाई ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और हम करीबन 2 साल बाद मिल रहे हैं आज, और काफ़ी मज़ा आया, मतलब काफ़ी अलग ही महसूस हो रहा है मिल गए। अभी बहुत सारी बातें नहीं खत्म हो रही है। अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया भाभी जी ने और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके थोड़ा सा हमें ऑफिस का काम निपटाना है। ऑफिस का काम निपटाएंगे अभी अपना शाम में 5-6 बजे। तो गाइस, ऑफिस का काम निपटाने के बाद अभी हम लोग सारे आग मिल गए हैं। मैं आपको अपने फ्रेंड अरे एक दो टास्क बचे हुए थे ना, निपटा दिए पिछले हफ्ते। भाई कितना काम किया हमने आज। संजीव श्वेतांग के साथ मीटिंग करी एक, कितनी प्रोडक्टिव मीटिंग थी हमारी, और एक तेरे साथ मीटिंग करी है कि नहीं है। एनीवे, तो अभी बेसिकली हमारे सारे दोस्त आ गए हैं, मैं तुमको मिलवाता हूँ। कुछ लोग गाड़ी में बैठे, कुछ लोग वहाँ आने वाला है। ये है मनीष जी, और मनीष जी भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मतलब 7 साल से हम इनको जानते हैं और काफी मतलब सही बंदे हैं, और इनसे तो आप मिल लियो संजीव भाई से। और इधर हमारे हैं विनोद भाई, विनोद जी, और ये है श्वेतांग भाई मालिक साहब, अभी जो गाड़ी चला रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज 28 तारीख सैटरडे है और अभी तकरीबन सुबह के 5 बजे हैं। तो प्लान ये था कि सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना था 3 बजे, बट मैंने थोड़ा सा नींद एक्सटेंड कर ली। और साथ ही साथ में कल मैंने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली थी कि मैं यहाँ से उदयपुर जा रहा हूँ, तो मुझे किसी का मैसेज आया था कि यार मैं भी चल रही हूँ तो आप ज्वाइन कर लेती हूँ आपको, तो उसको भी थोड़ा सा लेट निकलना था, तो इसलिए अभी हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, ज्योति आ गई है हमारे साथ, जो मैं बता रहा था ना आपको इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने पूछा था। तो हम लोग अभी यहाँ से पेट्रोल भरा रहे हैं, बस निकलने वाले हैं। हालांकि इन्होंने काफी लेट कर दिया, 6 बज गए हमको यही। हाय ज्योति। हाय हाय हिमांशु, कैसे हैं? हाँ जी भैया, ऑटो कट हो गया और भर दो फिर। सो गाइस, तकरीबन 150 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों ने पहला ब्रेक लिया है। यहाँ पर मन्नत ढाबा पड़ता है बिल्कुल हाईवे के साथ में, तो वहाँ पे ज्योति बताते हैं कि काफ़ी अच्छे पराठे वगैरह मिलते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं, पराठे वराठे खाते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, तो बस सीधे जयपुर में ब्रेक लेंगे। अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेटर, बिकॉज हम ऑलरेडी लेट है। कैसा हो रहा पराठा? हाफ कर दिया मैंने, ये एक्चुअली हमने दोनों अलग अलग मंगवाए थे ना, एक आलू प्याज का था एक गोभी का था, तो गोभी का हाफ उधर, आलू प्याज का चुपके से इधर दे देना। और प्लस मैं साथ में बताना भूल गया आप लोगों की, ज्योति का भी यूट्यूब चैनल है, तो क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? ट्रैवल विद जो। ट्रैवल विद जो, ये भी एक यूट्यूबर है। तो बेसिकली जब देख रहा था प्रोफाइल तो मैडम देख रहे थे बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका चैनल देख रहा है ना। काफ़ी अच्छे लोग नाती भी कश्मीर घूम रही है ना। चलो मैं फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद सीधे निकलते हो, क्योंकि आज लेट हो गया, सीधे उदयपुर पहुँचना ही पहुँचना है, उजाले में एनी आओ।
तो गाइस थोड़ा सा और चलने के बाद अभी हम अजमेर पहुंच गए हैं। अजमेर में अभी लंच के लिए एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा। तो गाइस हमको जयपुर से ज्वाइन किया है महेंद्र जी ने। तो रहने वाले जयपुर के हैं लेकिन उदयपुर भी रहते हैं, अभी मैं फिलहाल उदयपुर ही रह रहा हूँ। लंच में एक्चुअली मैं ट्रैवल के टाइम में हमेशा हल्का खाना प्रेफर करता हूँ, तो अभी हमने जीरा राइस मंगाया हुआ है और साथ में रायता है और एक दाल है पीली वाली, कौन सी दाल है, दाल तड़का, थोड़ा स्पाइसी में कम ही प्रेफर करती हूं। ज्योति जरा देखो चेक करके बताओ कैसा है। सेव टमाटर, सेव होता है क्या इसके अंदर? ऐसे मोड में बनानी पड़ेगी। अच्छा सेव टमाटर प्लस रोटी के साथ इसे खाया जाता है यहाँ पे, ऐसा बताया उन्होंने। और ये महेंद्र भाई बता दे कि यहाँ पे मीठा भी होता है ना, मीठा सेव भाजी होती है। अच्छा सेव भाजी होती है, वो मीठी होती है। अभी अप्रॉक्स 6:10 हो गए हैं और हम जयपुर पहुंच गए हैं और उजाले में पहुंच गए, अच्छी बात यह है। और ये चौराहा है, मेन चौराहा है। अभी यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है पीछे, यहाँ पे बहुत फेमस चाय की दुकान है, तो हमें चाय पीने जा रहे हैं। चाय वाय पीते हैं उसके सीधे घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज, गाड़ी चलाइए लगातार, कमर में बहुत खतरनाक दर्द हो रही है यार। मतलब मज़ा आया, काफ़ी अच्छी ड्राइव थी, बीच में एक जगह पे सिंगल लेन है लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी ड्राइव थी। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था, अगर आप लोग बजट ट्रैवलिंग में आ रहे हो उदयपुर, तो जो उदयपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है वहाँ पे